गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट की बात की थी, आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में आपने यह सीखा कि वर्तमान काल में कोई कार्य सामान्यतः होता है, वह कार्य हुआ करता है, नॉर्मली वह एक सामान्य सी घटनाएँ हुआ करती है। लेकिन जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ पे अंतर यह है कि प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य हो रहा होता है, मतलब वह कार्य अभी चल रहा है, वह कार्य हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ यह हो रहा है कि यह कार्य अभी हो रहा है, अभी का अभी तुरंत इस समय वह कार्य हो रहा है। अगर वर्तमान काल में अगर आपको यह लगे कि कोई कार्य अभी जारी है तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। यह प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है। कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है लगातार, अर्थात वह कोई कार्य लगातार जारी है। और उदाहरण लीजिए, जैसे वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है का मतलब यह हुआ कि अभी वह खेल रहा है, वह ग्राउंड प्ले ग्राउंड में है और बॉल या क्रिकेट या वॉट एवर जो भी कुछ वो खेल रहा है, मतलब उसके साथ वो इंगेज्ड है। मोहन फल खा रहा है, अर्थ यह हुआ कि मोहन के हाथ में एक फल है और मोहन उसको खा रहा है। अंतर आपको ऐसे समझना है कि यही अगर ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता तो वाक्य होता है कि मोहन फल खाता है, मतलब मोहन का नेचर है फल खाना, लेकिन अभी नहीं खा रहा है। लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लाते हैं तो यह हो जाता है मोहन एक फल खा रहा है, मोहन एक फल खा रहा है। सामान्यतः इसकी पहचान हम रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे उदाहरण से भी करते हैं जहाँ पर यह लगे कि कोई कार्य अभी हो रहा है। मैं गाना सुन रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, वह किताब पढ़ रही है, वे लोग आ रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, ऐसे कई प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने या अंग्रेजी में बदलने का क्या स्वरूप होगा, तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपको सामान्यतः यह जानकारी होगी कि आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम गोइंग, यू होने पे आर लगाते हैं, दे होने पे आर लगाते हैं, वी रहने पे आर लगाते हैं, और अगर वही सी इट अगर सब्जेक्ट है तो इज लगाते हैं। मतलब हमारा जो सहायक क्रिया इज आर एम है वह इसमें प्रयोग किए जाते हैं, और वर्ब में आईएनजी हम लगाते हैं, जो मुख्य वर्ब होता है उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। कुल इस प्रकार से वाक्य की बनावट, सब्जेक्ट, इसके बाद इज आर एम, इज चाहे आर चाहे एम, और इसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट डालते हैं और वाक्य हमारा पूरा हो जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ऐसे बनाएंगे। कोई दूसरा वर्ब ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, We are going to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ, I am going. हम लोग जा रहे हैं, We are going. तुम जा रहे हो, You are going. वे जा रहे हैं, They are going. तो ये बहुत ही साधारण है। इसमें आप सब्जेक्ट के साथ इज आरम लगाएंगे और फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम बाद में डाल देते हैं, जैसे I am
प्लेइंग क्रिकेट, यू आर ईटिंग अ मैंगो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तुम आम खा रहे हो, तो तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग अ मैंगो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसका अभ्यास करना है और वीडियो को बार बार सुनना है। अगर दो बार, तीन बार, चार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई कार्य जब हो रहा होता है, जो वह जारी है, उस समय वह कार्य हो रहा है, तो हम यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट में सहायक क्रिया लगाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगा करके वाक्य को कंप्लीट करते हैं।